नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, इसने दुनिया भर के देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है और बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही मालूम था। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस को बना रखा है और वहां पर अब लगातार भारत के द्वारा सेना भेजी जा रही है, जिससे इस समय बांग्लादेश चारों तरफ के बॉर्डर से भारत द्वारा गिर चुका है। फिर चाहे आसमान हो या फिर समुद्र या फिर जमीनी इलाका ही क्यों ना हो, इन सभी में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा भारत भी शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है, क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई हुई है, वह जहाज भारत से वापस लौट चुका है। लेकिन शेख हसीना अभी भारत में ही टिकी हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजे। यानी कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इससे भारत पर कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की जमीनी सीमा है और हाल ही में जिस तरीके से पॉलिटिक्स में मेजर चेंज देखने को मिल रहा है और शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ले चुकी है, उसे बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शेख हसीना जब बांग्लादेश को छोड़कर भागती है तो उन्होंने यूके, सऊदी अरब और अमेरिका से शरण मांगी कि उन्हें वहां पर रहने की जगह दें, लेकिन इन दोनों देशों ने मना कर दिया, जिसके बाद यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस पर उतरती है और यहां पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत के द्वारा किए गए हैं। हिंडन एयर बेस में शरण लिए हुए 4 दिन से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान वह भारतीय वायु सेना द्वारा सेफ हाउस में मेहमान नवाजी का पूरा लुफ्त उठा रही हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत इन्हें और उनकी बहन को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश में भेजे। बांग्लादेश का कहना है, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करें और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। यानी कि या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेजें या फिर भारत बांग्लादेश से अपने रिलेशन को तोड़ दें। भारत के पास यही 2 ऑप्शन हैं। हालांकि यहां पर भारत की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत की तरफ से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं। वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को यह बात पहले से ही शायद मालूम थी कि आने वाले समय में बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए भारत ने कई साल पहले ही बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार किए हुए हैं। यानी कि इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भड़कावे में आकर भारत पर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसे काउंटर करने की तैयारी भारत ने पहले ही कर रखी है। हालांकि यहां पर कहने को तो सिर्फ 4096 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए बिना मिलिट्री बेस के संभव नहीं है। आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, दलदली इलाके, नदियां और पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से बांग्लादेश की चारों सीमाओं पर मिलिट्री बेस के बड़े और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश की सीमाओं के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इसके पहले कई बार बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और साथ ही इस रास्ते से दूसरे देशों के द्वारा कई बार बांग्लादेश को ड्रग्स और मवेशियों की स्मगलिंग होती है और मिलिट्री हथियारों की सप्लाई भारत के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है।
इसलिए इन्हें रोकने के लिए कई साल पहले से ही भारतीय सेना मिलिट्री बेस के साथ सुरक्षा का कड़ा इंतजाम बनाए हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से मिलिट्री बेस हैं जो बांग्लादेश के चारों तरफ मौजूद है और वह कहां पर हैं। सबसे पहले वायुसेना के एयर बेस की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आता है हासीमारा एयर फोर्स बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और दूसरे की बात करें तो वह है बागडोगरा एयरफोर्स बेस, और ये एयरबेस भी बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में मौजूद है। इसके अलावा दो और इम्पॉर्टेंट एयरबेस पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं जो इससे थोड़ी दूरी पर हैं। और यदि भारतीय थल सेना के जमीनी बेस पर नजर डाली जाए तो लगभग 6 एयरबेस ऐसे हैं जहां से भारत की आर्मी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा दे रही है, जिसमें से लगभग 4 मिलिट्री बेस ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल से 10, 20 और 30 किलोमीटर दूरी पर बनाए गए हैं, जबकि मिस्सा मरी और रांग नामक दो आर्मी बेस ऐसे हैं जो कि भारत के असम में बनाए गए हैं और यह बांग्लादेश की सीमा से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है। और यदि नौसेना बेस को देखा जाए तो बांग्लादेश के आसपास लगभग 4 नौसैनिक बेस मौजूद हैं, जिनमें से पहला है INS नेताजी सुभाष, जो कि बांग्लादेश से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर भारत के कोलकाता में बनाया गया है। और दूसरा है INS पारादीप, जो कि लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर है और यह भारत के उड़ीसा में मौजूद है। और बाकी के दो नौसैनिक बेस जो कि अंडमान निकोबार और तमिलनाडु में बनाए गए हैं, जो कि बांग्लादेश से 1200 किलोमीटर दूरी पर है। हालांकि इन सबके अलावा और 3 नौसैनिक बेस आते हैं जो कि बांग्लादेश पर हमला कर सकते हैं, जिनमें विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नोर नेवल बेस शामिल है। और ऑलरेडी BSF को भारत की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिससे अलग अलग राज्य की सेना बांग्लादेश की सीमा की तरफ तैनात है। और इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि बांग्लादेश के लगभग 500 लोगों ने भारत में एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से उन्हें वापस लौटा दिया गया है। यानी कि देखा जाए तो बांग्लादेश के लोग भारत में किसी ना किसी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी बांग्लादेश के चरमपंथ ग्रुप किसी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं तो अंजाम बहुत बुरे देखने को मिल सकते हैं। और कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि बांग्लादेश को अलग अलग देश भी भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं ताकि भारत से बांग्लादेश के रिलेशंस बिगड़ जाए। और कुछ एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि भारत ने जिस तरीके की तैयारी कर रखी है, इससे भारत को शायद पहले से ही मालूम था कि आगे चलकर बांग्लादेश के साथ यह घटनाएं घटित होने वाली हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।